अगर आपकी संभोग करने की टाइमिंग कम है, आप 2 से 3 मिनट ही संभोग कर पाते हैं और आपका वीर्य झड़ जाता है या आपका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह पतला हो चुका है, तो यह आपके वीर्य को गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा करेगा और लगातार 3 से 4 घंटे ठुकाई करने का जोश इस अद्भुत घरेलू औषधि में छुपा है। अगर आप एक खुराक इस अद्भुत घरेलू औषधि का सेवन कर लेते हैं तो लगातार 3 से 4 घंटे ठुकाई करेंगे, ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी झाड़ देंगे, चीखें निकालेगी बीबी पूरी रात, फिर भी आपका जोश, आपकी ताकत कम नहीं होगी। आपकी मर्दाना ताकत और संभोग करने की टाइमिंग को बढ़ाने की सबसे फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि है। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जो लोग कई सालों से नामर्द हो चुके हैं, जो बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं, लिंग जरा सा भी खड़ा नहीं होता, खड़ा भी होता है तो अच्छी तरीके से टाइट नहीं होता, लिंग में जोश नहीं आता, ताकत नहीं आती, तो यह आपके लिंग में जोश और ताकत भर देने वाली सबसे फायदेमंद आयुर्वेदिक घरेलू औषधि है। यह आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा, आपकी संभोग करने की टाइमिंग को बढ़ाएगा, आपके वीर्य को गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत औषधि के बारे में जानें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत औषधि को। जिन लोगों ने बचपन से ही मास्टरबेशन किया है, कम उम्र से ही हिलाना शुरू कर दिया था, हिलाकर अपने वीर्य का नाश किया है और अपने लिंग पर ज़्यादा जोर देने की वजह से लिंग की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं और लिंग की नसें, कई सारी नसें तो टूट चुकी हैं, तो यह आपके टूटी हुई लिंग की नसों में भी जान आ जाएगी। आपकी लिंग की टूटी हुई नसें जुड़ जाएंगी और कमज़ोर नसें मजबूत हो जाएंगी। आपका लिंग लोहे जैसा टाइट मजबूत खड़ा होगा और आपकी भोग करने की टाइमिंग को बढ़ाने की यह सबसे फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत औषधि के बारे में जानें। ध्यान से देख लो और पहचान लो। सबसे पहली चीज आपको लेनी है 100 ग्राम की मात्रा में लौंग। 100 ग्राम की मात्रा में आप लौंग लें और आपको लेना है 200 ग्राम की मात्रा में सूखा हुआ नारियल। 200 ग्राम की मात्रा में सूखा हुआ नारियल और आपको लेना है 400 ग्राम की मात्रा में गुड़। आपको 400 ग्राम की मात्रा में गुड़ लेना है, 100 ग्राम की मात्रा में लौंग और 200 ग्राम की मात्रा में सूखा हुआ नारियल और 400 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है गुड़। आपको लौंग को अच्छी तरीके से पीस लें, नारियल को अच्छी तरीके से पीस लें और गुड़ को अच्छी तरीके से पीस लें और पीसने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपको उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। आप उसे जब मिक्स कर लें, थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर हल्का सा जब उसे गर्म करेंगे तो वह पिघल जाएगा। पिघलने के बाद आप उसे छोटी छोटी गोलियां बना करके किसी कांच के जार में भर कर रख दें और प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम 1 ग्लास दूध के साथ आपको 1 भेली खाकर ऊपर से दूध का सेवन करना है। सिर्फ लगातार 1 महीने तक सेवन कर लो, बूढ़े हो जाओगे फिर भी आपका जोश, आपकी ताकत, आपकी मर्दाना ताकत कम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।